अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू रियान अजीम व्लॉग्स। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि आज हम लोग कहाँ पे आए हैं। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी लोग एकदम ठीक होंगे। और जैसा कि शहाब ने अभी बताया आप लोगों को कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज की जो ये वीडियो है, जो आप लोग आगे जो है वो पूरी देखने वाले हैं, वो किस जगह पे है और किस चीज की ये वीडियो है। तो फाइनली गाइज हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अच्छा, वो जायका दरबार के जस्ट पीछे ही है और यहाँ पे मौजूद है। मैंने जायका दरबार की वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग उसको जरूर से देखिएगा। तो उसके जस्ट पीछे ही साइड में, मतलब पहले ही वो ये जो मौजूद है आंगन ढाबा, तो वहाँ पे हम लोग इस वक्त मौजूद है। और आज की जो पूरी वीडियो होने वाली है, पूरा जो टूर होगा वो इसी के बारे में होगा। इस रोड साइड पे ये मौजूद है ये ढाबा, और यहाँ से ये गेट नुमा बनाया गया है और यहाँ से अंदर की जो है वो एंट्री होती है। और मेन गेट पे ही, मतलब सामने ही जस्ट यहाँ पे बड़े बड़े लेटर में लिखा हुआ है आई लव आंगन ढाबा। तो बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा है, बैक कैमरे से भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। खूबसूरत और इतना सजाया गया हुआ है ये ढाबा, और इस खूबसूरती के नजारे को मैं आगे आप लोगों को पूरा डिटेल में दिखाऊंगा। और साथ ही में मैं आप लोगों को क्लियर करता चलूं कि हम लोग डायरेक्ट स्कूल से ही आ गए हैं, जैसा कि ड्रेस में सारे लोग हैं आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि जो है वो आज का जो दिन था स्कूल में, आज प्रैक्टिकल एग्जाम था, तो जिसकी वजह से आज मौका मिला है। करीब वहां से हम लोग ने 3 बजे वहां से छूट गए थे, तो अभी शाम के 4 बज रहे हैं और यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। और यहाँ पे सारे फ्रेंड लोग बैठे हुए हैं और हर बार की तरह बहुत ही कंफ्यूजन होती है, क्या ऑर्डर करें इसकी कंफ्यूजन रहती है। तो यहाँ पे अभी शहाब जो है वो मेन्यू देख रहे हैं। तो कुछ समझ में आ रहा है शहाब? बहुत ही समझ में आ रहा है थोड़ा। अच्छा, मैं बैक कैमरे से आपको दिखा रहा हूँ कि शहाब ने क्या क्या डिसाइड किया है, कौन सी डिशेज हैं। और यहाँ पे अभी जो है वो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है और शहाब यहाँ पे मेन्यू देख रहे हैं। कुछ बताएंगे शाहब कि कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? पहले तो हम स्टार्टर से शुरू करेंगे जी। पहले चिकन स्पेशल एक लेंगे जी, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ग्रेवी पे आएंगे। ग्रेवी में हमने चिकन आंगन स्पेशल एक ये सिलेक्ट किया है, उसके बाद एक चिकन गोल्डन। अच्छा ठीक है, तो ये तो हम लोग का हो गया। उसके बाद मुशर्रफ जो है कि वेज खाएंगे, नॉन वेज तो वो खाते नहीं है। सही बात तो है, वो तो नॉन वेज खाते नहीं है। सही बात है। पनीर चिली ऑर्डर किया है, उसके बाद फिर उनके लिए ऑर्डर करेंगे एक दाल तड़का और बस इतने में हो जाएगा। बताए मुशर्रफ, हो जाएगा कि नहीं? जी हो जाएगा। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं है, अगर और कुछ मंगाना चाहते हैं तो बता दीजिए। चलिए ठीक है, तो हो गया शाम की, और भी कुछ ऑर्डर पे लगाए हुए हैं? लेकिन टाइम है नहीं इसलिए। अच्छा, थोड़ा ऑर्डर। हाँ, वही शाम का वक्त है, अभी स्कूल से डायरेक्ट आए हुए हैं और घर भी जाना है जल्दी। तो चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, ये बैठने के लिए और खाना खाने के लिए बनाया गया है सारी चीजें। और ये लाइट्स हैं कुछ, जो रात में जलने के लिए बनाई गई हैं। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि लाइट हर उस पे फिक्स की गई है ताकि बहुत अच्छा नज़ारा मालूम हो। और देखिए, जैसा कि हमको मालूम हुआ कि इसको इटालियन लुक देने की सारी कोशिश की गई है और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे इस एरिया में ऐसा कोई भी ढाबा या रेस्टोरेंट कह सकते हैं जो कि नहीं है। खाने वगैरह और सारी चीजें, स्लाइड वगैरह यहाँ पे कटती हैं, जो कि हम इसके अंदर नहीं जा सकते सारी चीजें दिखाने के लिए, क्योंकि ये सारी चीजें प्राइवेट होती है। उनके ओनर जो थे यहाँ पे, बताया उन्होंने कि रात में और ज्यादा अच्छा मालूम होता, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं था, हम लोग वक्त निकाल के आए थे। जो उस साइड है उसी एकदम सेम टाइप, उसी टाइप इस साइड भी बनाया गया है, एकदम सारा सेम लग रहा है वहाँ पे। और देखिए यहाँ पे सारे दोस्त लोग बैठे हुए हैं और डिस्कस कर रहे हैं सारी चीज़ें। और जैसा कि देख सकते हैं ये फैमिली कैबिन है, यहाँ पे फैमिली जो लेके आते हैं लोग, क्योंकि फैमिली के लिए ज़रा अलग सा स्पेस चाहिए होता है, तो यहाँ पे भी लोग आते हैं। और यहाँ पे एक काउंटर है जहाँ पे सारी चीज़ें, इनके ओनर वगैरह यहाँ पे बैठते हैं। और अभी यहीं पर जब हमने परमिशन लेनी थी तो हम यहीं पर आए थे और सारी चीज़ें इनसे पूछा था हमने। और क्योंकि अभी सारी चीज़ें अंडर कंस्ट्रक्शन है तो इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि अभी जो सारी चीज़ें फुल तरीके से रेडी नहीं हुआ है,
और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, इस साइड ग्रास है। और जानकारी जिस तरीके से हमको मिली है कि पता चला है कि यहाँ पे नमाज वगैरह अदा की जाती है, और यहाँ पे बैठकर हम लोग जो है सारे लोग ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। और काफी देर हो चुकी है, करीब 5 बजने वाले हैं। हम लोग 4 बजे से पहले ही यहाँ पे आ गए थे और अभी भी टाइम लगेगी क्योंकि व्लॉग भी हम लोग बना रहे हैं, उसमें भी टाइम है। और बाकी जो है अभी खाना खाएंगे। ये ढाबा आप लोगों को पसंद आया होगा तो यहाँ पर एक मरतबा जरूर से विजिट करें, इंशाल्लाह आप लोगों को जरूर से ये ढाबा पसंद आएगा। A few moments later. ये भाई यहाँ के ओनर है, इनका नाम है शादाब आलम, तो ये ओन करते हैं इस रेस्टोरेंट को। तो इसे मैं कुछ सवाल करूंगा कि आप अपने बारे में जरा बता दें और इस होटल के बारे में बता दें, इसकी टाइमिंग क्या है। मेरा नाम शादाब आलम है और मेरा ये दूसरा ब्रांच है अहमदाबाद। एक ब्रांच मेरा लालगंज में ऑलरेडी तकरीबन 7-8 साल पुराना चल रहा है वहाँ पे। तो ये मैंने 27 मार्च को इसकी ओपनिंग की है, 27 को। और इसकी टाइमिंग है अभी तो फिलहाल इसकी टाइमिंग शाम में 4 बजे से है, फिर देखेंगे आगे 1 महीने के बाद इसकी टाइमिंग दोपहर से चालू होगी। इसका एड्रेस जो है आंगन ढाबा लाभरिया मोहम्मदपुर आजमगढ़ वाराणसी रोड पर है ये। और ढाबा तो आपने देख लिया है कि ढाबा कैसा है। और ये जो है अभी काम ये अभी चल रहा है इसका, तकरीबन ये 10 दिन में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ढाबा, और फिर आइए आप देखिए इसका। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी जो है वो घर के लिए जा रहे हैं और आज का पूरा व्लॉग यहीं पे एंड करना चाहता हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन पहुँचे। और ये रहा शाम का नज़ारा, पीछे आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए गुड बाय।